ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ಸತಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಾಟಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪಕ್ಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युग में यहाँ की धरती ठंडा हुई है न अग्नि बुझी है. ये सतयुग यहाँ मतलब सत्यता की नगरी है. चार युग हो गया सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग. ठीक है चारों युग में प्रवेश कर चुका है न तो यहाँ की अग्नि बुझी है और न तो धरती ठंडा हुई है. ऐसे ही क्रम चलता रहता है दिन रात ऐसे ही चलता है. मुक्ति का घाट है ये इस उसी के लिए सत्य की नगरी है. ये भोलेनाथ की नगरी है. यहाँ पे यहाँ पे सत्य के उन्होंने अग्नि जलाया है. राजा हरिश्चंद्र घाट इधर है. तारा रोही के देख रहे हो ठीक है ठीक है. इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है बता नहीं पाऊँगा. बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है यहाँ. यहाँ कभी कबीर जी कालिदास सूरदास यहाँ सब आके तरीक होके गए. आप यहाँ से वाराणसी से आप सोनपुर से हैं. आपका नज़ारा से वाराणसी क्या है. वाराणसी यहाँ की सबसे शुद्ध और शांति और सत्य की नगरी है. और तुमको दिखाता है इधर से वहाँ से वहाँ तक कभी लाते चलती थी पहले. और दूसरा घाट है हरिश्चंद्र घाट. वो घाट वहाँ पे हरिश्चंद्र घाट. हाँ वो बिल्डिंग जो घाट दिख रहा है. ठीक है ठीक है. वो वहाँ पे इधर से आपको जाना पड़ेगा रोड. वहाँ हरिश्चंद्र का घाट है. राजा हरिश्चंद्र जो काशी के थे तारा रोहित ये सब का वहाँ है घाट. और यहाँ जो है मैं क्या यहाँ कालू डोम का घाट. डोम का घाट. हाँ कालू डोम. कालू डोम जो यहाँ मेन मालिक. दोनों में क्या फर्क है. हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका घाट दोनों में क्या फर्क है. यहाँ क्या है यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है. ठीक है. और वहाँ से राजा हरिश्चंद्र रोहित तारा को लेकर के आए थे यहाँ पे. हाँ हाँ जलाने के लिए. तो यहीं से उनका विमान जो है कि आता है. ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ದಾನ ಕೊಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲ.